नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिकली स्मार्ट आर्ट की मदद से, जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यानी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट की। अगर आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे लिस्ट के, जिसमें आप किसी भी टॉपिक को लिस्ट वाइज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोसेस के ऊपर, तो इसके अंदर आप प्रोसेस का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने प्रोडक्शन को इस डाटा के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं कि वो प्रोडक्शन आपका किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पर सर्कल वाइज आप किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सर्कल में दिखाया गया है कि आप पहले ये वाला प्रोसेस करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं और फिर ये करते हैं। तो इस तरीके का कोई प्रोसेस अगर आपको दिखाना है तो आप इस ग्राफिक की मदद से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें हिराची की, तो हिराची पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे ऊपर कोई मेन पर्सन है, उसके नीचे सेकंड पर्सन है और उसके नीचे थर्ड तीन पर्सन वर्क करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई डेटा रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने टेंसेस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे टेंसेस का टॉपिक हमारा ये रहा और उसके बाद आप बाकी तीनों टेंसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसमें आप किसी भी डेटा को रिलेशन दिखा सकते हैं, यानी किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलेशन की मदद से। इसके बाद यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मैट्रिक्स के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने है पिरामिड्स। आप चाहें तो पिरामिड्स की मदद से भी किसी डेटा को दिखा सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो ये था, उसके बाद इतना हुआ, उसके बाद इतना हुआ। तो यानी इस तरीके से आप किसी ग्रोथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो पिक्चर के माध्यम से भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके उस पिक्चर के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको office.com दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मिक्स स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें से आप किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत सारे ग्राफिक्स के ऑप्शंस हैं जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को पूरे को क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। यहाँ से चले जाते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं एचआरजी वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी एक फॉर्मेट। हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया हमने ओके। ओके प्रेस करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप चाहें तो इस टॉपिक को यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी टॉपिक बनाना चाहें वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, पूरे डेटा को एक साथ क्लियर करेंगे और क्लियर करने के बाद हम स्ट्रक्चर को फिर से क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे हमारा सारा डेटा यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे हमारा इसके बगल में एक और बॉक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, और ये बॉक्स मैं चाहता हूँ कि इसका पार्ट बन जाए, यानी इसका असिस्टेंट बन जाए। तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा टैब की बटन। जैसे ही आप टैब की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसका असिस्टेंट बनकर क्रिएट हो चुका है। अब कंप्यूटर का यहाँ पर आप पार्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक और शेप रिप्रेजेंट करानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पर हार्डवेयर का दूसरा पार्ट यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पर आप दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिखने के बाद अब हम चाहते हैं हार्डवेयर के दो पार्ट को और रिप्रेजेंट करना, तो आपको हार्डवेयर पर वापस से जाना होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एड शेप बिलो का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया, यानी हार्डवेयर का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इसके बाद आप यहाँ पर इसका पार्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हार्डवेयर का पार्ट हमने दे दिया कीबोर्ड, और उसके बाद इसके साथ ही मुझे एक और पार्ट क्रिएट करना है, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हार्डवेयर का एक पार्ट और यहाँ पर क्रिएट करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वापस से इसी ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एड शेप आफ्टर। जैसे मैंने ऐड शेप आफ्टर पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हार्डवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और अब आप यहाँ पर क्लिक करके दूसरे पार्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया माउस।
और उसके बाद सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर का भी आप पार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको एड शेप पर जाना है और यहाँ पर यूज़ करना है एड शेप बिलो। एड शेप बिलो यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर का एक पार्ट दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस देने के बाद एक पार्ट और आपको क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर का, तो आपको एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ से आपको जाने के बाद यहाँ पर एड शेप आफ्टर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टेली। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें उस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के नाम से एक टैब खुल जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन है एड शेप आफ्टर, यानी आप इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आफ्टर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर, अगर आप बिफोर यूज़ करना चाहें तो इसके बिफोर यानी इससे पहले आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप अबव यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर इंसर्ट होगा। बिलो करना चाहते हैं तो बिलो यानी नीचे की तरफ इसके इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी शेप्स को यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एड असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से किसी भी स्ट्रक्चर का असिस्टेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट पेन का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट पैनल था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके वापस हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर प्रमोट और डिमोट का भी ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर प्रमोट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो जो हार्डवेयर का पार्ट था वो वापस से प्रमोट हो गया, और यहाँ से डिमोट करेंगे तो वापस से ये डिमोट होकर के इन सब का पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। मूव अप और मूव डाउन करना चाहें तो यहाँ से मूव अप और मूव डाउन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप इसे अपने हिसाब से जिस भी एंगल में एडजस्ट करना चाहें उस एंगल में यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी कलर को यूज़ करके आप अपने डेटा को यहाँ पर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ 3D के ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिस ऑप्शन का यूज़ करके भी आप अपने स्मार्ट आर्ट को एक अट्रैक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट होगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा चेंज शेप का। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो शेप है उसको आप अपने हिसाब से किसी और एंगल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर शेप्स नज़र आएंगे, जिसमें से किसी भी शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करके आप उसको उसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी शेप्स आपको दिखाई देंगी, जिस भी शेप पर आप क्लिक करेंगे आपका डेटा उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लार्ज का एक ऑप्शन है। लार्ज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे लार्ज होता चला जाएगा, और जैसे ही आप स्मॉलेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसके थीम के कलर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा फिल का एक ऑप्शन। फिल में जाकर के आप अपने हिसाब से जो भी कलर इसमें देना चाहें वो कलर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मोर कलर्स का एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से जिस भी कलर को मैनेज करना चाहें, यानी खुद से कोई कलर बनाना चाहें तो आप यहाँ पर इसे बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे एक और ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा पिक्चर्स का। पिक्चर्स को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स दिखाई देंगी इसमें से किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके आप चाहें तो उस शेप के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं उस कलर्स की जगह पे। मान लीजिए हमने इस पिक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे हमने इसको इंसर्ट किया तो आप देखेंगे उसकी जगह पर यहाँ पर हमारे सामने कलर्स की जगह पर पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। हम वापस से कंट्रोल जेड करके बैक चले जाते हैं और फिर से चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट पर जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने ग्रेडियंट्स के काफ़ी सारे इफेक्ट दिखाई देंगे, जिसमें से आप किसी भी इफेक्ट को सेलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने टेक्सचर्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आप किसी भी टेक्सचर को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। हम वापस से कंट्रोल जेड करके पीछे चले जाते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने शेप आउटलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आउटलाइन के कलर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे इसके आउटलाइन का जो कलर था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने नो आउटलाइन का एक ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आउटलाइन का कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने विथ का भी एक ऑप्शन है। मोर आउटलाइन कलर्स पे जाकर के यहाँ से आप कलर्स को बना सकते हैं, कस्टम में जाकर के अपने हिसाब से कोई कलर बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वापस से चले जाते हैं फॉर्मेट वाले टैब पर और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं विथ के साइज़ को। आप यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी मोटा जितना भी पतला करना हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप इसे डैशेस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से डैशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर वर्ड आर्ट
का एक ऑप्शन, वर्ड आर्ट के ऑप्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट था वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हम कंट्रोल जेड करके वापस से पीछे चले जाते हैं और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फिल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें से आप अपने टेक्स्ट को किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेम वही ऑप्शन आपको फिर से नज़र आ रहे हैं, जिसमें मोर कलर्स के ऑप्शन हैं, पिक्चर्स के ऑप्शन है, ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है या टेक्स्चर्स के ऑप्शन हैं। इसमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में उसी का इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा आउटलाइन का, तो आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर जो भी चाहें आप वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नो आउटलाइन करेंगे तो आपके कलर की आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वही ऑप्शन जो मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको शेडो, आप अपने टेक्स्ट के बैक साइड में शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं अपने टेक्स्ट के बैक साइड। आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जो कंप्यूटर था उसके नीचे की तरफ आपको शेडो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन आप इसकी मदद से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बीवल ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, 3D रोटेशन का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसका आप यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी आप यहाँ पर देखेंगे एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अरेंज का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, साइज़ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।